और अभी अभी इंस्टाग्राम पर अश्विन भाई के 400K भाई 4 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हुए, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन अश्विन भाई, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आग लगाते जाओ, मचाते रहो यार। अरे धोखा मिला है प्यार में, कुछ करके तो हम भी दिखाएंगे। वो टाइम गया जब तेरे नखरे उठाता था, अब तो तेरा फोन भी नहीं उठाएंगे। हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार आप लोग? होप आप लोग बड़े होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आप लोग अश्विन भाई को जानते होंगे, भाई क्या खतरनाक वीडियोस बनाते यार। मतलब इनकी जो शायरी होती, जो डायलॉग होती ना भाई, बहुत कड़क यार। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ अश्विन भाई जैसे रील्स वीडियो एडिटिंग, वीडियो में किस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर रहा है, ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से। ये नहीं भाई कि बस साउंड ऐड कर लिया, म्यूजिक ऐड कर लिया, हो गया वीडियो बन गया, नहीं ऐसा नहीं। आज मैं आपको कुछ अलग सिखाने वाला हूँ, कुछ यूनिक सिखाने वाला हूँ, ठीक है, जो एडिटिंग अश्विन भाई अपने वीडियोज में यूज करते हैं, ठीक है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गाइस अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक, मतलब पूरी कंप्लीट वॉच कर लेते हो ना भाइयों, तो आपके वीडियो में वो दम आ जाएगा ना, वो जान आ जाएगी ना यार। पब्लिक आपके वीडियो पे रुकेगी, और अगर पब्लिक रुक गई तो भाई वॉच टाइम मिलेगा, और अगर वॉच टाइम मिल गया तो भाई वीडियो तो भाई वायरल होना ही है यार। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को देखते रहो एंड तक। बट उससे पहले भाई के चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर दो यार, साइड में बेल आइकन मिलेगा उसको प्रेस कर देना। एंड चलिए आज के इस कमल के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस, आपको सबसे पहले क्या कर रहा है, वीडियो को रिकॉर्ड कर देना, ठीक है, वीडियो को शूट कर देना है। वीडियो में आप लोग शायरी बोलना चाहते हो भाई शायरी बोल सकते हो, या फिर डायलॉग बोलना चाहते हो तो भाई डायलॉग भी बोल सकते हो। तो मैंने कुछ इस टाइप का वीडियो शूट किया है। अरे हमारे हौसलों की उड़ान आप नहीं समझ पाएंगे, हम वो परिंदे हैं मेरी जान जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। ओके सो गाइस, काइन मास्टर में आने के बाद यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बीच वाला जो रेशियो ना 9:16, ठीक है, उस पर आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको मीडिया में जाना है, और भाई यहाँ से अपने वीडियो को सिलेक्ट करके ऐड कर देना है। ओके सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वीडियो ऐड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जब आपकी जो शायरी या फिर डायलॉग खत्म होगी ना, उस पॉइंट पर आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। तो चलिए पहले वीडियो को प्ले कर देते हैं और देखते हैं मैंने जो शायरी बोली है, ठीक है, वो कहाँ पर खत्म हो रही है। अरे हमारे हौसलों की उड़ान आप नहीं समझ पाएंगे, हम वो परिंदे हैं मेरी जान जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। ठीक है भाई, देख सकते हैं आप लोग 6 सेकंड पर मेरी जो शायरी है वो खत्म हुई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टॉप हो गया, ऐसा आपको करना है, ठीक है, जहाँ पर आपकी शायरी खत्म हुई वहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना है। उसके बाद क्या करना है, वीडियो पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर आपको सीजर में जाना है, और यहाँ से आपको स्प्लिट एंड प्लेट कर देना है, ठीक है, मतलब इसको एक अलग पार्ट में डिवाइड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको डन कर देना है। एंड उसके बाद ये जो सेकंड वाली क्लिप है ना भाई, उस पर आप लोग सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, वॉल्यूम में जाना है, और इसका जो वॉल्यूम है ना भाई वो पूरा बंद कर देना है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर आपको ये वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, जो साउंड है वो पूरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको डन कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है, जो पहली वाली क्लिप है ना भाई उसको भी सिलेक्ट कर देना है, देन यहाँ पर आपको फिर से वॉल्यूम में जाना है। वॉल्यूम में जाने के बाद इसका जो वॉल्यूम है ना वो आपको 200% कर देना है, मतलब पूरा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑटो वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा भाई, इसको भी इनेबल कर देना है। इससे होगा क्या कि मान लीजिए आप लोगों ने शायरी या फिर डायलॉग जो बोला है, ठीक है, वो एकदम कम आवाज में बोला है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो कम है, तो अपन ने इसका वॉल्यूम तो पूरा इंक्रीज कर दिया, मतलब जो उसकी आवाज है वीडियो की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है भाई, आपका वीडियो बहुत जहर बनेगा। तो इसका वॉल्यूम 200% कर देना और यहाँ से इसको डन कर देना। अब देखो भाई, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला स्टार्टिंग का पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है ना ये एंडिंग का पोर्शन है, ठीक है, मतलब ये एंडिंग का पार्ट है और ये स्टार्टिंग का पार्ट है। तो क्या करना है, जो स्टार्टिंग का पार्ट है उस पर भी हम बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे, ठीक है, और ये जो एंडिंग का पार्ट है ना भाई उस पर भी हम बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये वाली फोटो देखो, ने अभी फोटो देखा, ठीक है, तो उस फोटो में मैंने आपको 3 गाने बताए, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि भाई उन वो जो 3 गाने हैं जो अश्विन भाई के रील्स ज़्यादातर वायरल होते हैं ना, ज़्यादातर ट्रेंडिंग में जाते हैं ना, उन रील्स में इन 3ों में से एक ना एक साउंड अश्विन भाई अपने वीडियोज़ में जरूर यूज़ करते हैं यार, ये तो बहुत खतरनाक बात है भाई। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर दे, एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है। तो भाई ये जो 3 गाने हैं ना, इन 3 गाने में से आपको जो अच्छा लगे वो आप लोग अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे, तो जाके डाउनलोड कर देना 3 गानों को, ठीक है, 3 नहीं भाई, स्टार्टिंग के 3 और एंडिंग के 3, मतलब टोटल 6 गाने हुए, ठीक है। तो 6 गाने को जाके डाउनलोड कर देना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। चलिए यहाँ पर हम ये जो पहला वाला पोर्शन है स्टार्टिंग का पोर्शन, ठीक है, वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब बैकग्राउंड साउंड ऐड कर देते। तो हम क्या करेंगे, सेम बीफ आप लोग देख सकते हैं, ये वाला साउंड ऐड करते हैं, ठीक है, ये एकदम खतरनाक साउंड है भाई, तो ये वाला ऐड कर देते। उसके लिए आपको करना है, यहाँ पर आपको ऑडियो में जाना है, ऑडियो में जाने के बाद वो वाला सॉन्ग यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। सो गाइस देख सकते हैं ये वाला साउंड है, ठीक है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ।
ठीक है, ये एकदम खतरनाक साउंड है भाई, आप लोगों ने सुना होगा सेम बिफ नाम है गाने का। सो यहाँ पर आपको ऐड बटन मिलेगा, तो इस ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद भाई आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग वाले पोर्शन में, ठीक है, साउंड लग चुका है। अब क्या करना है, ये जो साउंड है ना, गाना है ना भाई, उस पर आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वॉल्यूम में जाना है और इसका वॉल्यूम ना भाई आपको कम कर देना है, ठीक है भाई, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक का जो वॉल्यूम रहता है वो कम ही रहता है, जिससे कि अच्छा लगता है वीडियो। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ जितना मैंने कर लिया वो कम, और उसके बाद यहाँ पर आपको डन कर देना है। अब क्या करना है, जो आप लोग शायरी बोलोगे या फिर डायलॉग बोलोगे ना, ठीक है, तो जो लास्ट लाइन आप लोग बोलोगे ना, उस लाइन पर आपको स्टॉप हो जाना है। ठीक है, तो मैं वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ भाई, तभी आपको अच्छे से समझेगा। अरे हमारे हौसलों की उड़ान आप नहीं समझ पाएंगे, हम वो परिंदे हैं मेरी जान जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। ठीक है भाई, देख सकते हैं आप लोग, मतलब मैंने जो शायरी बोला, ठीक है, उस शायरी में लास्ट लाइन ये है, पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। ठीक है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ वन सेकेंड। मेरी जान जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। ठीक है, जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे, ठीक है, तो ये है मेरी शायरी की लास्ट लाइन। आप लोग की शायरी की कोई अलग लाइन हो सकती है। सो आपको क्या करना है, जो लास्ट लाइन आप लोग जहाँ से स्टार्ट करोगे बोलना, ठीक है, उस पॉइंट पर आपको स्टॉप हो जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को प्ले कर लेते हैं। अरे हमारे हौसलों की उड़ान आप नहीं समझ पाएंगे, हम वो परिंदे हैं मेरी जान। ठीक है भाई, देख सकते हैं आप लोग, अब यहाँ से मेरी जो लास्ट लाइन है वो मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। तो ये वाले पॉइंट पर आपको, ये वाले पार्ट पर आपको आ जाना है। देन क्या करना है, ये जो साउंड है ना नीचे वाला जो अपने अभी लगा है, ठीक है, उस सॉन्ग पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको कैची में जाना है, ठीक है, स्ट्रीम में। और जाने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, ट्रिम टू राइट कर देना है। ठीक है भाई, मतलब गेम को समझो यार आप लोग। भाई देखो, जो अपन लास्ट लाइन बोलेंगे, ठीक है, उस वाले पार्ट पे अपन ने साउंड इफेक्ट नहीं लगाया है भाई, नहीं लगाया है। यही तो सीक्रेट है यार अश्विन भाई के रील्स वीडियो एडिटिंग का। अरे अपनी पहचान अलग है दोस्त, मैं तेरे जैसा नहीं, अगर किरदार ऊंचा करना है तो टैलेंट दिखा, पैसा नहीं। अश्विन भाई भी यही करते हैं, जो लास्ट लाइन बोलते हैं अपनी शायरी की या फिर लास्ट डायलॉग बोलते हैं ना, वो वाले पार्ट पे भाई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड नहीं करते। ठीक है, एंडिंग का पार्ट है ना भाई, लास्ट वाला पार्ट, वहां पर भी हम बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको आ जाना है और क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑडियो में चले जाना है। अब क्या करना है आपको, देखो भाई, जो ये वाला जो साउंड अपने लगाया है ना सेम बिफ नाम का, तो ये स्टार्टिंग का साउंड हो गया। ठीक है, देखो भाई, प्ले करके दिखा देता हूँ। अरे हमारे हौसलों की उड़ान आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है भाई, ये जो साउंड है ना पहला वाला, ये तो भाई हमने स्टार्टिंग के लिए लगा लिया। मैंने आपको जो फोटो दिखाया था अभी, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, गाने का जो एंडिंग वाला सॉन्ग है ना भाई, वो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पर आपको आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑडियो में चले जाना है। और जो सेम बिफ जो गाने का नाम है, ठीक है, उसका जो एंडिंग वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब एंडिंग वाली जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो यहाँ पर आपको ऐड कर देनी। तो भाई ये रही वो साउंड, ठीक है, ये रहे एंडिंग वाली साउंड। तो यहाँ पर चलिए प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है भाई, इसको थोड़ा सा ना ये इधर ला लेना है। ठीक है, अरे हमारे हौसलों की उड़ान आप नहीं समझ पाएंगे, हम वो परिंदे हैं मेरी जान जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे।